अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल जी। मैं ज़ीशान अली, टूरिस्ट मेंटोर चैनल की तरफों। दोस्तों, अज असी गल करांगे आयरलैंड का लेबर वीज़े के मुताबिक। अज डेट हैगी 26 मार्च 2024, 26 मार्च 2024। डेट मैं थोड़ा दसूँगा, मैं थोड़ा क्यों दसी है। अच्छा, वीडियो में एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ इन लाइक करना, शेयर जरूर करो प्लीज़, तो कमेंट करना, तो मेरे चैनल में सबसक्राइब करो। दोस्तों, आज मैं कॉल आई है पाकिस्तान तो, दो बंद ने कॉल की है। उन्होंने सानू पूछा कि जोड़े आयरलैंड के आयरिश हेल्पर वीजे आ खुले है इतने। उन्होंने मैं एक छोटी जी ना वीडियो सेंड की, किसी यूट्यूब चैनल वाले ने बना के भेजी सी। मैं आयरलैंड रह रहा, मैं तकरीबन मोर दैन 16 ईयर हो गए, नीयर इनफ ऑफ 20 ईयर से। ठीक है, मैं यार मैनू तो ये बारे कोई खबर नहीं है। खैर, मैं वीडियो थोड़ी जी देखी, मैं खैर समझ गया। मैं चैनल का नाम नहीं लाऊंगा, हो सकता उन्होंने मुगालता लगा हो। मैं अदील अगर रिक्वेस्ट करूंगा, जरा मेरा पार्टनर है, कि डिस्क्रिप्शन के ना आयरिश एग्जामिनर एक न्यूज़पेपर आ, लिंक शेयर ना डिस्क्रिप्शन के कर दे, खुद भी देख सकते हैं। या तुम RTE 1, RTE 2, TV 1, TV 2 आयरिश चैनल है, इन्हों पर जाके न्यूज़ सुन सकते हैं। इस करके मैं थोड़ा डेट दसी सी। अच्छा जी, उन्होंने कहा वो दोस्त उन्होंने ओबियसली उन्होंने नहीं पता होना, तो उन्होंने सिर्फ इदा सुनी सुनाई गल कर दी कि आयरलैंड ने हेल्पर वीजे इशू किए नॉन EU नैशनल वास्ते, स्पैशली पाकिस्तान तो इंडिया दे। अच्छा, वो बंदे पाकिस्तानी मैनू कहन कि यार इस तरह का काम हैगा तो तू सानू दस्या नहीं फलाना। मैं कि यार मेरे इलम दे विच ये गल ही नहीं है। एनीवे दोस्तों, मैं इस टॉपिक के उत्ते मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुकी वा, मेरे चैनल पर जाकर तुसी देख सकते हैं। मेरे ख्याल एक मंथ अगो मैं बनाई सी। वह सब तो पहला मैं थोड़ा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड गल दस देवा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लाऊंगा, लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, मुख्तसर जी बनाऊंगा, तो इस करके पूरी देखियो। इन्होंने जरा ना आईलेट्स 4.5 वो इन्होंने मस्ट किया, नसैसरी आ, उस तो बगैर वीज़ा नहीं देना। हम मैं थोड़ा दसदा इसकी वजह की आ। साडे अजीज़ है, अब मेरे शायद मेरी वीडियो भी देखते हो, थानू दस भी देंगे। मेरे अजीज़ और कारब भी जोड़े मैं जानते हैं, उन्होंने भी पता वा। मेरा एक दोस्त है इतने गोरा, वह बड़ा व्डा फार्म है इतने, डेयरी फार्म उसको काउ का, उन्होंने मिल्किंग वास्ते बंदा चाहिए सगा। तो मैं रिकमेंड करता, मैं यार इस तरह करके मेरा अजीज़ आ, उन्होंने भी अपना फार्म हैगा पाकिस्तान, तो तू उन्हू हायर कर ला, तेन काम दूगा सही मुंडा, मेहनती हैगा, यंग हैगा, ये वो। बंदा रिफ्यूज़ हो गया, रिफ्यूज़ हो गया, उन्होंने वीज़ा नहीं दिता। उन्होंने कहा कि एक तो जोड़े है ना एडवांस जोड़े आ नवे इक्विपमेंट आ डेयरी के मुतलक वो ऑपरेट नहीं कर सकता, दूसरी उन्होंने लैंग्वेज प्रॉब्लम आ, जबान नहीं उन्होंने आती। ठीक है, जो थोड़े इस तरह थोड़े तुम सिस्टम च आ जाते हैं ना, वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता वा, तुम 5 साल लिए बैन हो जाते हैं, तुम यूरोप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि रीज़न पूछते भी क्यों फेल होया, यदा वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों होया, मेन रीज़न आ वा। अच्छा, दूसरा मैं आयरिश एग्जामिनर का TV 1 TV 2 का मैं थानू हवाला दिता वा, तुम आप भी जाके आयरिश एग्जामिनर एक न्यूज़पेपर आ, तुम जाके पढ़ सकते हैं। इतने प्रोटेस्ट चलता पाया वा, एजाइलम सीकर जोड़े आए ना डिफरेंट कंट्रिया तो, वो बेचारे कैंपा च रह रहे हैं। अगर इस तरह का कोई जिस तरह का भाई होना यूट्यूब वाले ने कहा वा कि इतने हेल्पर वीजे निकल रहे हैं, तो 13 यूरो देन रहे वेजिस। इन्हों की बेसिक पे जी है ना वो हैगी 1180, जी लेबर की जॉब करते ना उन्हों की बेसिक पे हैगी 11 यूरो 80 सेंट। उन्होंने 13 यूरो किया वा, मेरा ख्याल उन्होंने मुगालता लगा। दूसरा उन्होंने क्या अकामोडेशन देंगे, मैं थोड़ा अगे दस के हटियाँ कि जेडे असाइलम जिन्होंने किए आ वह कैंपा के बाहर रोडों के उत्ते ना टेंट ला के रह रहे हैं। तीसरा उन्होंने क्या फूड देंगे, ये बड़ा एक्सपेंसिव कंट्री आ, जोड़े बंदे इतने रेंदे मेरी गल एगरी कर, बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है, तो मैं इतने रहना पाया वा, मैनू नहीं पता। तो वह यूट्यूबर कोई बंदा पाकिस्तान बह के इस तरह दल करता पाया, तो बंदे मैनू पूछ रहे फोन करके कि आया इस तरह की गल है कि नहीं है। दोस्तों, मैं उस यूट्यूबर भी मना करूँगा कि मैं वल्ला है, मेरी यह परसनैलिटी नहीं कि मैं किसी के बारे कोई नुकताचीनी करा या कीड़े क्डा। जिस तरह मैं नाम भी नहीं लिया, मैं ना लाऊंगा, ना मैं दोबारा शायद इस टॉपिक से कोई दोबारा वीडियो भी बनावा, ना इस तरह कर प्लीज़। जी गल सही है वो सही दसन, लोगों इस तरह झूठ बोल के नहीं, मेरा ख्याल या शायद उन्होंने ना पता हो,
ਵਿਊਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੋਡ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੈਨੂਇਨ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਓ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪਰਮਿਟ ਆ ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਕਿੱਲਡ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ 4.5 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਡ ਹੋਣ ਆਈਲੈਟਸ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ, ਮਿਨੀਮਮ 30,000 ਯੂਰੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇੱਕ ਈਅਰ ਦੀ। ਚਲੋ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ 13 ਯੂਰੋ ਪਰ ਆਰ ਲਾਓ, 39 ਆਵਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੋਬ ਇੱਥੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੂੰ 52 ਵੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ 27,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟ ਦਾ ਫਿਗਰ ਦੱਸੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਪਰੂਫ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਐਵੇਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਕਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਗੁੱਡ ਲੱਕ।